दोस्तों, गन्ने तो आपने खाए ही होंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप गन्ने के जूस का ठेला जरूर देखते होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने खेतों में गन्ने को जरूर देखा होगा। और यहाँ तक कि गांव में रहने वालों ने तो खेतों में जाकर खूब सारे गन्ने तोड़कर खाए ही होंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत गन्ने की खेती करने में दूसरे नंबर पर आता है, और वहीं बात की जाए गन्ने के उपयोग की तो भी भारत दूसरे नंबर पर ही आता है। और यहाँ तक कि गन्ने से जूस, शक्कर, गुड़, शराब और चीनी जैसी चीजें बनाई जाती हैं। अगर आप भी गन्ने की खेती या फिर उसका बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहले तो गन्ने की खेती करने के लिए सही मिट्टी का चुनाव करने की आवश्यकता होती है। हम आपको बता दें कि जल निकासी वाली दोमट मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाल दोमट, लैटराइट, काली कपास वाली मिट्टी इत्यादि। गन्ना दो तरीकों से बोया जाता है, एक तो बीज के द्वारा और दूसरा गन्ने के तने के द्वारा। इन दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है। अगर आप गन्ने के तने के द्वारा गन्ने को बोते हैं तो उसमें बीज के मुकाबले रोग और कीटनाशक लगने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप बीज के द्वारा गन्ने को बोते हैं तो आपकी फसल भी काफी अच्छी होती है। गन्ने की बुआई तीन तरीके से की जा सकती है और भारत के हर राज्य में अलग अलग स्थिति में अलग तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहला तरीका फ्लैट रोपण का होता है। इस तरह के मेथड में नाली को 2 से 2.5 फीट की दूरी पर बनाया जाता है। नालियों के बनने के बाद इसमें 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े को डालकर इसे ऊपर से समतल कर दिया जाता है। आजकल के समय में भी किसान इस परंपरागत टेक्निक से गन्ने की खेती की रोपाई करना पसंद करते हैं। अब ये भला आंख क्या होता है? दोस्तों, जैसे आलू के चारों तरफ नॉच में आंख की तरह एक चंद्राकार होता है और चंद्राकार के बीच में एक छोटा उभरा सा भाग होता है, दरअसल आलू में इसी जगह से नया पौधा निकलता है, इसी को आंख कहते हैं। उसी प्रकार गन्ने में ढेर सारे नौच यानी कि आंख पाई जाती हैं। बोने के लिए इसी को जमीन में गाड़ दिया जाता है। दूसरा तरीका फ्लोर रोपण का होता है। इस तरह की रोपाई में नाली को तैयार किया जाता है। ये नालियां 2 से 2.5 फुट की दूरी पर बनाई जाती हैं। इन नालियों में बीज को 1 फुट की दूरी पर लगाना होता है और नालियों के अंत में जल को रोकने के लिए ओडी बनाई जाती है, ताकि कम बारिश होने पर भी खेत में पानी की कमी ना हो, और अगर ज्यादा पानी हो तो एक साइड से इसे खोल दिया जाता है। तीसरा तरीका ट्रेंस रोपण का होता है। तटीय क्षेत्र में जहां फसलें लंबी हो जाती हैं और बारिश के मौसम में तेज हवाएं चलने लगती हैं, ऐसे इलाकों में फसलों को बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। 70 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर की नालियां बनाई जाती हैं। फिर इनमें उर्वरकों का इस्तेमाल करके बाद में इसे समतल बुआई वाली जगह पर हल्की मिट्टी से भर दिया जाता है। फिर ट्रैक्टरों और मशीनों से बीजों की बुआई की जाती है। गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई भी काफी मायने रखती है। गन्ने की खेती नम भूमि में की जाती है, इसलिए इसकी शुरुआत में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गर्मियों के मौसम में इसे हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है, और वहीं सर्दी में 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी देने की आवश्यकता होती है, और बारिश के मौसम में पौधों की रोपाई सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही की जाती है। एक बार बुआई करने के बाद 1 साल में गन्ना तैयार हो जाता है। गन्ना एक बार उगाने के बाद उसे 2 बार काटा जाता है, और अगर पानी और खाद की अच्छी व्यवस्था है तो आप कई सालों तक गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं। अब बारी है गन्ने की कटाई की। गन्ने की कटाई कई तरीके से की जाती है, एक तो हाथ के द्वारा और दूसरी मशीनों के द्वारा। गन्ने की कटाई का सबसे पहला मेथड हाथ के द्वारा होता है। इसमें एक बड़े से चाकू के द्वारा
मजदूर गन्ने को उसकी सतह से काट देते हैं और फिर उसके ऊपर की पत्तियों को अलग कर दिया जाता है और गन्ने को एक गठरी में बांध दिया जाता है और हर गठरी में 20 से 25 गन्ने बांधे जाते हैं ताकि उसे उठाने में आसानी हो। दोस्तों, चूंकि गन्ने की पत्तियां बहुत रेतीली और खुजली वाली होती हैं, तो इसलिए मजदूर अपने हाथों और पैर में फुल कपड़े पहनते हैं। पुराने जमाने में तो लोग लोहे की कवर हाथों में पहनते थे। और क्या आपको मालूम है दोस्तों कि कई बार गन्ने के खेतों में आग लगा दी जाती है जिससे उसकी पत्तियां और आसपास की खरपतवार जल जाए और सिर्फ गन्ना बचे, जो कि शुगर फैक्ट्री के लिए काफी अच्छा रहता है, जिससे गन्ना काटने में भी आसानी रहती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह तरीका यहां रहने वाले निवासियों के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है और आसपास रहने वालों में और गन्ने के खेत में काम करने वाले मजदूरों में अक्सर लंग्स से संबंधित कैंसर होने का खतरा बना रहता है। गन्ने के खेत को जलाने की विधि को कई देशों में बैन लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से गन्ने के खेतों में आग लगाकर गन्ने की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक बार अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में इस विधि का उपयोग करने से कई मजदूर बीमार पड़ गए और चीनी बनाने वाली कंपनी को भारी मुआवजा देना पड़ा था और कंपनी भी बंद हो गई थी। दूसरा मेथड मशीनों के द्वारा गन्ने की कटाई की जाती है। ये एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन होती है जिससे घंटों की गन्ने की कटाई मिनटों में कर दी जाती है। इसमें जैसे ही मशीन गन्ने के खेत के ऊपर गन्ने पर चलती है, उसी वक्त गन्ने को अपनी तरफ खींच लेती है। इस मशीन के द्वारा गन्ने छोटे छोटे पीसेस में कट जाते हैं और उसके बाद डायरेक्टर में ऑटोमेटिक एक्सेलरेटर के द्वारा अपने आप डायरेक्ट चले जाते हैं और जो गन्ने की पत्तियां होती हैं वे भी दूसरी तरफ से निकलकर खेतों में ही गिर जाती हैं। इस तरीके से मशीन से कटाई होती है। अब जब एक बार गन्ने की कटाई हो जाती है, जैसे ही गन्ने को गठरी में बांध दिया जाता है, फिर उसे डायरेक्टर में लादकर शुगर फैक्ट्री या फिर मंडियों में ले जाया जाता है। शुगर फैक्ट्री में उसकी चीनी बन जाती है और मंडियों में ले जाए जाने वाला जूस को रेहड़ियों या फिर आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में गन्ने की खेती से जुड़ी काफी जानकारी दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।